A big hello to all of you. Welcome back to my channel Neetu Baba Yummylicious. आज मैं आपके साथ बनाऊंगी बहुत ही मजेदार, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी डिश जो कि बनेगी क्वेकर ओट्स से. तो आइए शुरू करते हैं. हमें मिला है क्वेकर ओट्स का एक बहुत ही प्यारा सा हैम्पर, वन ओट्स एनी टेस्ट. तो देखिए इसमें क्या क्या है. साथ में हमें मिली है, इसमें हमारी रेसिपी है और ये हमारे दो पैकेट्स है. एक पैकेट में चार मिक्स है जिसमें से तीन मसाला है और वन टैंगी टोमेटो है और साथ में ये है एक प्यारा सा बहुत ही सुंदर सा बाउल. तो आइए बनाना शुरू करते हैं. आज हम ये ओट्स का यूज करते हुए बनाएंगे एक पिज्जा जो कि होगा हमारा भाकरी पिज्जा और भाकरी बनेगी हमारी मल्टीग्रेन फ्लोर से. तो मल्टीग्रेन फ्लोर इटसेल्फ हेल्दी है और ओट्स भी हेल्दी है. तो चलिए ये हमने काट लिया है हमारा पैकेट और देखिए हमें इस तरह से इसमें जो कि हम खोलते हैं. हमने हमारा ये सैशे ओपन कर लिया है और हम इसमें है ये तीन सैशे हैं हमारे होम मसाला फ्लेवर मिक्स के और एक है टैंगी टोमेटो का और इसमें है हमारे ओट्स. तो हम ये ओट्स को निकाल लेंगे हमारे बाउल में. हम हाफ पैकेट ओट्स का इस्तेमाल करेंगे और जो मैंने आपको बताया था साथ में हमें रेसिपी भी मिली है कि हमें ये ओट्स कैसे बनाने हैं. तो चलिए इसको हम रख देते एक साइड में और शुरुआत करते हैं हमारे आटे से. तो ये है मल्टीग्रेन फ्लोर जिसका हम बनाएंगे एक डो. लीजिए हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया है. यह है मल्टीग्रेन फ्लोर का डो जिसमें रागी, बाजरा, ओट्स का भी है थोड़ा सा, गेहूं का आटा और बाले सब कुछ है इसमें. तो इसे हम रख देते हैं रेस्ट के लिए. जब तक रेस्ट करता है हम तैयारी कर लेते हैं हमारे पिज्जा की. मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें डाल दिया है एक चम्मच तेल, ऑयल डाला है मैंने एक स्पून. जैसे ये ऑयल गरम होता है हम डाल लेंगे इसमें ये स्लाइस्ड अनियन. अनियन को थोड़ा सा करते हैं सौते. हमारी अनियन सौते हो रही है. साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे ये डाइस हमारे पतले पतले लंबे कटी हुई शिमला मिर्च. हाफ कटोरी हमने अनियन लिया है, हाफ कटोरी हमने कैप्सिकम लिया है. मैं इसमें सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम डाल रही हूँ, आप चाहे तो बेल पेपर्स भी डाल कर सकते हैं. साथ ही ये है टमाटोज, ये मैंने इसमें टमाटो भी ऐड कर लिया है और ये है बॉइल्ड कॉर्न. इसमें जितनी भी वेजीज है सब टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हैं. जो भी आपके घर में आपके बच्चों को या बड़ों को पसंद हो कुछ भी यूज किया जा सकता है. लेकिन मैं इसमें ऐड किया है मैंने अनियन, कैप्सिकम, टमाटो और बॉइल्ड स्वीट कॉर्न. बस हमें बहुत ज्यादा सौते नहीं करना है इसे. ये हो गया है. अब बारी आती है ये हमारे ओट्स ऐड करने की. हम इसमें ओट्स ऐड करेंगे, एक क्विक सा मिक्स देंगे. ये जो हमारे क्वेकर ओट्स है बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही अच्छे हैं, न्यूट्रिशन से भरे हुए हैं और हमारी हर एक डिश को बहुत ही टेस्टी बनाते हैं. ये आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करते हैं, आपका टमी फुल रखते हैं. तो साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें वन ग्लास ऑफ वाटर. और बारी आती है सैशे यूज करने की. मैं आज यूज कर रही हूं होम स्टाइल मसाला फ्लेवर मिक्स. ये जो क्वेकर ओट्स ने इस तरह से सैशे निकाले हैं बहुत ही अच्छे हैं. हम अपने पसंद के ओट्स बना सकते हैं इसमें, अपने पसंद का दो दो फ्लेवर्स, एक टैंगी टोमेटो और एक मसाला. तो बस हमें ये पकाना है जब तक हमारा ये ओट्स बन रेडी हो जाएगा और ये ड्राई हो जाएगा.
चलिए जब तक हमारे ओट्स बन रहे हैं हम यहाँ हमारी भाकरी बना लेते हैं। हम बहुत बड़ी भाकरी नहीं बनाएंगे, मिनी भाकरी। आप इसे एक फ्यूजन नाम दे सकते हैं, एक हेल्दी यमी सा फ्यूजन फूड जो कि हर किसी को पसंद आएगा। तो लीजिए हमने हमारी भाकरी को बेल लिया है। देखिए मैंने बहुत पतला नहीं बेला है, थोड़ा सा मोटा ही रखा है। और इसे हम डाल देते हैं हमारे तवे पे। डालने के बाद हमें करना क्या है, इस तरह का एक बेलन लेना है और हम इस तरह से हमारे भाकरी में थोड़े से होल्स कर देंगे सो दैट हमारी भाकरी फूले नहीं। जैसे हम थोड़ा सा हम प्रेशर देके बनाते हैं सो दैट हमारा पिज्जा बेस नहीं फूले, सेम हम भाकरी के साथ करेंगे। तो ये लीजिए हमारा ये मसाला ओट्स भी बिल्कुल रेडी है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं या फिर जैसे मैं आज करने जा रही हूँ, हमारा भाकरी पिज्जा बनाने जा रही हूँ। तो ये बन गई है हमारी भाकरी, बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको मैंने एक तरफ से अच्छी तरह सेका है, एक तरफ से कम सेका है क्योंकि ये जाएगी हमारे अवन में। आप इसे अवन में भी बना सकते हैं या तवे पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अवन में ज्यादा देर नहीं डालूंगी, बस चीज मेल्ट होने तक ही डालूंगी। अब इस आती है यह हमारी पिज्जा सॉस लगाने की। मैं ये रेडीमेड पिज्जा सॉस यूज कर रही हूँ, आप घर पे भी बना सकते हैं। टमाटोज ब्लांच करके उसका छिलका उतारिए, बारीक उसको चॉप कीजिए और उसमें सॉल्ट, शुगर, थोड़ा सा विनेगर, ये सब मिला के आप आराम से बहुत अच्छी सी एक सॉस आप घर में भी रेडी कर सकते हैं। तो लीजिए ये मैंने हमारी पिज्जा सॉस लगा दी है और मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं डालूंगी, कोई वेजीज नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि जो हमने ये ओट्स बनाया है उसमें हमने हमारी सारी वेजीज का इस्तेमाल किया है। तो मैं इसमें इस तरह से ओट्स की एक लेयर लगा देती हूँ, हमारे मसाला ओट्स की लेयर विद वेजीज। ये देखिए ये बहुत ही हेल्दी है, होममेड पिज्जा, बिल्कुल हमारा नेचुरल पिज्जा। तो ये मैंने एक अच्छी सी यहां पर ओट्स की एक लेयर भी लगा दी है। थोड़े से मैं ऊपर से स्वीट कॉर्न ऐड कर देती हूँ। बारी आती है हमारा चीज ऐड करने की, ये चीज भी ऐड कर दिया है। ये लीजिए हमारा चीज भी ऐड हो गया है, बस अब हम इसे डालते हैं हमारे अवन में। ये लीजिए हमारा भाकरी पिज्जा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें हम डाल लेते हैं हमारे थोड़े से चिली फ्लेक्स, साथ ही डाल लेते हैं थोड़ा सा मजेदार एकदम हेल्दी हमारा ये बना है भाकरी पिज्जा। थोड़ा सा मैं ऊपर से डालूंगी इसमें मस्टर्ड सॉस, आप चाहे तो डालिए डालिए। और इसको हम कर लेते हैं कट, एकदम क्रिस्पी बढ़िया सा हमारा मिनी भाकरी पिज्जा जो कि बना है क्वेकर ओट से। तो चलिए कर लेते हैं प्लेटिंग। तो लीजिए हमारे मिनी भाकरी पिज्जा बिल्कुल रेडी है जो कि बने हैं हमारे हेल्दी क्वेकर ओट से। होपफुली आपको मेरी, आप भी बनाइए और खिलाइए। थैंक यू।